गठिया का दर्द, गठिया एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? हम लेकर आए हैं इसका हर्बल तरीका इलाज, जो आपको दे इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गठिया के मर्ज पर कि गठिया क्या है। गठिया जोड़ों में सोजिश पैदा करने वाली एक बीमारी है, जो दर्द, सूजन, अकड़ाव और जोड़ों की कारकर्दगी को मुतासिर करने का सबब बनती है। ये ऐसी तकलीफदा बीमारी है जिससे कई जोड़ मुतासिर होते हैं। मर्ज की एक और भी वजह है चिपकी हड्डी का कम या खत्म हो जाना, जिसकी वजह से हड्डी टकराती है, जो सोजिश और तकलीफ का सबब बनती है। इसको आम जुबान में गुदा खत्म हो जाना, हड्डियों के दरमियान खला कम हो जाना भी कहते हैं। बढ़ती हुई उम्र के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी जोड़ों के दर्द की सूरत में सामने आती है। ताहम जदीद तहकीक के मुताबिक जोड़ों का दर्द हर नस्ल और जींस के लोगों में शुरू होता है, लेकिन बड़ी उम्र के मुतासरीन की तादाद ज़्यादा होती है। ये बीमारी कभी कभी कमजोरी की वजह से बच्चों और नौजवानों में पाई जाती है। गठिया इस तरह शुरू होता है, जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड हैं इनमें अकड़ाहट शुरू हो जाती है, जो कि अमूमन सुबह के टाइम शुरू होती है, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे इंसान मूवमेंट करता है इससे कम होनी शुरू हो जाती है, और उंगलियों के बाद फिर जिस्म के और जॉइंट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कूनी, कमर, घुटने, कंधे, कूल्हे की हड्डी समझिए कि जिस्म के तमाम जोड़ों पर असर करना शुरू हो जाती है। इसके अंदर घुटनों की अकड़ाहट के साथ साथ तकलीफ और सूजन हो जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मर्ज जोड़ों में चिकनाहट वाली झिल्ली को ख़त्म कर देता है। गठिया तरतीब बार हमला करती है, यानी अगर हाथ ही इससे मुतासिर हुआ है तो दूसरा हाथ भी थोड़े टाइम के बाद इस बीमारी से मुतासिर हो जाएगा। ये मर्ज आमतौर पर कलाई के जोड़ों और हाथ के नज़दीक उंगलियों के जोड़ों को मुतासिर करता है। ये जोड़ों के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी असरअंदाज होता है। इसके अलावा ये है कि इस बीमारी में शिकार अफराद को थकन महसूस होती है, कभी कभार बुखार हो जाता है या मजमूई तौर पर सेहतमंद ना होने का एहसास हावी रहता है। गठिया लोगों में मुख्तलिफ किस्म से भी असरअंदाज होता है। इसका ताल्लुक इंसान की कुव्वत मुदाफियत से होता है, जिससे जैसे इंसान की कुव्वत मुदाफियत जितनी अच्छी होगी वो उतनी जल्दी रिकवर कर पाएगा। कुछ लोगों में इसकी शदीद तरीन शक्ल देखने में आई है, जो कि बेशतर वक्त मुतहरिक होती है और ज़िंदगी में कई साल तक बरकरार रहती है और जोड़ों के सख्त नुकसान और माजूरी का बायस बनती है। इस खतरनाक बीमारी में जो लोग मुबतला हैं, इनकी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने सारा साल की रिसर्च करके नहायत कीमती और खालिस जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज मुतारिक करवाया। ये अद्वियात मुजर असरात से पाक तिब्बे यूनानी के असूलों के आयन मुताबिक तैयार की गई हैं। कई लोग इस कोर्स को इस्तेमाल करके गठिया से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर चुके हैं। आप भी परेशान ना हो, इसको एक बार ज़रूर आजमाएं और इस तकलीफ से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं। तासीर दवाखाना की अंतक मेहनतों का नतीजा ये फार्मूला है, जो हज़ारों मरीजों को पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी दे चुका है। तो अब आपके पास ये वाहिद और आसान हल है इस खतरनाक मर्ज से छुटकारा हासिल करने का। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको खुराक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कुव्वत मुदाफियत को अच्छा रखने में खुराक अहम किरदार अदा करती है। फास्ट फूड, बेकरी की बनी हुई अशिया, तेज़ मसाले और गर्म खट्टी बादी चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। मिल्क शेक पिए। दूध का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि हड्डियाँ मजबूत हों। अब इसके बाद कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूँगी, जिन पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है और आप बहुत जल्द इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा बैठने और लेटने से इतनाव करें। रोज़ाना 2 से 4 किलोमीटर तक वॉक करें या जिम ज्वाइन कर लें, ताकि बॉडी के मसल्स एक्टिव रहें और कमज़ोर ना होने पाए। तो नाज़रीन, आज ही तासीर दवा खाना तशरीफ लाएं और इस मुझी मर्ज से जान छुड़ाएं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ये मेडिसिन फिजिकली ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक ये मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।